आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो है एनर्जी। आज मैं आपको एनर्जी के बारे में बताऊंगा, एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप की एनर्जीज यूनिवर्स में प्रेजेंट है और उन एनर्जीज का क्या रोल है लाइफ में और इंसान को कैसे प्रभावित करती है, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए, अगर एनर्जी की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर यूनिवर्स में दो टाइप की एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं। एक होती है पॉजिटिव एनर्जी, सेकंड होती है नेगेटिव एनर्जी। अगर पॉजिटिव एनर्जी किसी भी जगह अगर यूनिवर्स में प्रेजेंट है तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होंगी, अगर नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट है तो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती हैं। अगर हम ह्यूमन लाइफ की बात करें, किसी भी इंसान की जिंदगी में अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो उस इंसान की जिंदगी में पॉजिटिव घटनाएं होती है, पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं, मनी आती है, सक्सेस मिलती है, पीस प्रॉस्पेरिटी मिलती है, इंसान की वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है, सब चीजें उसकी लाइफ में अच्छी अच्छी होती हैं। कुल मिलाकर के उसकी लाइफ का ग्राफ लगातार ऊपर की साइड जाता है। अगर नेगेटिव एनर्जी किसी भी इंसान की जिंदगी में होगी तो नेगेटिव घटनाएं, नेगेटिव इवेंट्स उस इंसान की जिंदगी में लगातार होंगी, उसका लाइफ का ग्राफ लगातार नीचे की साइड जाएगा, उसको डिजीज हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, मनी का लॉस हो सकता है, ठीक है, बिजनेस या जॉब में नुकसान हो सकता है, उसके जो है पुलिस केस हो सकता है, कोर्ट केस हो सकता है, या और कोई फ्रॉडनेस हो सकती है, तो किसी भी टाइप की नेगेटिव घटना उस इंसान की जिंदगी में हो सकती है। एनर्जीज इतनी पावरफुल होती है कि कभी पॉजिटिव एनर्जी इंसान की जिंदगी में, इंसान के शरीर में आ जाती है, कभी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। ये जो लाइफ जो होती है इंसान की, ये रोलर कोस्टर की तरह होती है, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इंसान का ग्राफ लगातार ऊपर की साइड जाए या लगातार नीचे की तरफ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि कभी पॉजिटिव एनर्जी आ गई, कभी नेगेटिव एनर्जी आ गई, तो ये साइकिल चलता रहता है और इंसान की लाइफ ऊपर नीचे होती है और इंसान को सुख दुख मिलता रहता है। सुख मिलेगा तो पॉजिटिव एनर्जी होगी, दुख आएगा तो नेगेटिव एनर्जी होगी। तो इंसान को क्या करना चाहिए, इंसान का ये इस समय उसका जो नियम है उसका ये, उसको ये करना चाहिए कि उसको एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर हम एनर्जी को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी को हम होल्ड करना सीखेंगे और हमारी लाइफ बेटर होगी, और नेगेटिव एनर्जी अगर कोई आती है उसको हम रिफ्लेक्ट करना, उसको भगाना हम सीखे, उसको दूर हटाना सीखे। अगर हम ऐसा करने में सक्सेसफुल होते हैं तो हमारी लाइफ बहुत बेटर होगी। तो यही हमको कुछ टेक्निक्स होती है, काफी सारी जो टेक्निक्स जो आजकल अवेलेबल है उससे हम एनर्जी को कंट्रोल करना सीख सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को लंबे समय तक अपने पास रखें और नेगेटिव एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा समय अपने से दूर रखें। तो इस तरीके से हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी होगी तो इंसान की जिंदगी में सब अच्छा होगा, नेगेटिव एनर्जी होगी तो सब खराब होगा। ठीक है, अब एनर्जी कहाँ का प्रेजेंट होती है, मैं एनर्जी की आपको बताऊंगा। जैसे कोई इंसान है, ठीक है, उसकी लाइफ में जो भी उसके मित्र आ रहे हैं, जो भी उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, जो भी उसके लाइफ में इंसान आ रहे हैं, तो वो जो इंसान होता है वो उसकी लाइफ में एनर्जी लेके आते हैं। तो कोई इंसान है तो उसकी एनर्जी इफेक्ट होती है सामने वाले की एनर्जी से, यानी कोई दोस्त है, कोई है, उसके माता पिता है, उसके भाई बहन है, उसके जो भी रिश्तेदार है, उनकी एनर्जी उस इंसान को इफेक्ट करेगी। ठीक है, नंबर सेकंड, जो एनर्जी अपने घर में प्रेजेंट होती है, जहां पे हम रहते हैं हमारे घर में एनर्जी प्रेजेंट होती है, तो घर की एनर्जी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको देखना चाहिए कि अगर एनर्जी हमारी नेगेटिव प्रेजेंट है तो उसको हमें हटाना चाहिए। तो और जो जमीन की एनर्जी होती है, जिस जमीन पे हमारा मकान खड़ा है, उस एनर्जी को भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि और उसी जो जमीन की जो नेगेटिव एनर्जी अगर होती है उसको हटाने का काम जो हम करते हैं तो वो टेक्निक होती है वास्तु। तो वास्तु की तरह उस एनर्जी को हम हटाते हैं, नेगेटिव एनर्जी को। ठीक है, तो एनर्जी हमारी जमीन में प्रेजेंट है, हमारे घर के अंदर प्रेजेंट है, सराउंडिंग में प्रेजेंट है, हमारे जो दोस्त लोग, हमारे जो रिश्तेदार, हमारे जो आस पड़ोस में जो लोग बाग हैं, जो हमारे नेबरहुड में रहते हैं, वो हमको कैसा देखते हैं, किस नजर से देखते हैं, कैसी एनर्जी हमको दे रहे हैं, तो उन लोगों की एनर्जी हमें इफेक्ट करेगी। ठीक है, और हमें जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं जिससे इंसान की जिंदगी चलती है, वो भी हमको पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी देते हैं अकॉर्डिंग टू कर्मास। जैसा हम काम करेंगे वैसा 9 ग्रह हमको एनर्जी देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। भगवान भी हमको पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी देते हैं। अगर हम भगवान का सम्मान नहीं करेंगे, गलत कमिटमेंट देंगे तो भगवान हमको नेगेटिव एनर्जी देंगे। हम अच्छा काम करेंगे, धर्म कर्म को फॉलो करेंगे तो हमें भगवान से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो भगवान भी हमको और ग्रह भी हमको नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। ऊपर आकाश में भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि हमें उसको भी देखना पड़ता है। हम कहीं पर जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, या हम किसी और जगह जा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, किसी भी जगह हम जा रहे हैं, तो वहां की एनर्जी भी हमको इफेक्ट करती है। कुल मिलाकर के जगह की एनर्जी भी हमको इफेक्ट करेगी, इंसान की एनर्जी भी हमको इफेक्ट करेगी। तो इसीलिए हमको सोच समझ करके अपने दोस्त बनाने चाहिए, हमें आगे का जो सर्किल रेडी करना चाहिए, हमें आगे की जो है क्या काम हमको करना है, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें करना चाहिए। अगर नेगेटिव एनर्जी होगी तो हमें नेगेटिव एनर्जी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन लेना चाहिए। अगर हम नेगेटिव एनर्जी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन लेंगे तो हमें फायदा मिलेगा, हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये मैं थोड़ा सा आपको एनर्जी के बारे में बताया, मैं आपको आगे और बताता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।